शांति, मैं डॉक्टर संतोष। आज हम लोग बात करेंगे गुंजन जैन मैम से। इनके एक्चुअली फिंगर में प्रॉब्लम थी, तो मैम थोड़ा सा अपने विषय में आप बताएं प्लीज। नमस्कार सबको, और मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, फिल्म एक्टर हूँ, गुंजन जैन। और करीब 2 महीने पहले मैं योगा में करते वक्त मैं गिरी थी, और इस फिंगर में मुझे फोर फिंगर में प्रेशर आया था, और उसके बाद से मुझे मतलब डॉक्टर ने एक्सरे एंड ऑल सब कराया, बट उन्होंने रेस्ट बताया। तो रेस्ट ज़्यादा करने से ये हुआ कि ये बिल्कुल जाम हो गई थी ये फिंगर, कुछ हिलना बंद, और इसका इतनी नमनेस इसमें आ चुकी थी। तब मैं यहाँ आई सेंटर में, और फिर वही एक्सरसाइजेज के थ्रू एंड चीज़ों के थ्रू, एंड बस आज मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। एंड एक्चुअली जब मैम आई थी तो इनका फिंगर जो है ये मुड़ नहीं पा रही थी, और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर में स्वेलिंग भी थी और नमनेस, जैसे मैम ने बताया कुछ फील ही नहीं हो रहा, कुछ फील नहीं हो रहा था। और ये फिंगर का मोमेंट एक्सरे कराया गया तो एक्सरे नॉर्मल था, कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री नहीं थी। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन तक इमोबिलाइज रखते हैं या रेस्ट मोड पे रखते हैं, तो ये हमारी जो फिंगर होती है, ये हमारा ज्वाइंट जो होता है ना, वन वे है। जैसे कि आप देखेंगे ना, उंगली हमारी मुड़ती है और खुलती है, इसके अलावा यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ये स्टिफ हो गई थी मैम की, बट मैम ने बड़ा ही रेगुलरली, इतना बिजी शेड्यूल रहते हुए आज ही मैम का जो है, कल मैम की जो है मूवी रिलीज हुई है, और मैम उसका नाम क्या है फिर से, जिंदगी 1 टीस्पून ऑन डिज्नी हॉटस्टार, आप लोग जरूर देखिएगा। तो मैम का इतना बिजी शेड्यूल था, फिर भी मैम ने पूरा टाइम निकाला और रेगुलरली इसको किया। और इसके अलावा थोड़ा माइल्ड, चूंकि यहाँ स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा था, वर्किंग बहुत ज्यादा थी, तो माइल्ड लोअर बैक पेन था, बट विद इन 12 डेज काफी अच्छा रिलीफ मिल गया। मैम एक्स्ट्रा केयर के लिए क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा केयर इज द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर, आई वुड रिकमेंड इट टू ऑल। जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस टू कम ओवर टू। एंड इतना एक्स्ट्रा केयर है, नाम जैसा है बिल्कुल वैसा ही है, एक्स्ट्रा केयर। आई मीन इतने प्यार से और शिद्दत से लोग सब काम करते हैं, थैंक यू।